हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफ प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूँ गिदिस्टो। दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोगों ने शेयर किया है उनमें से मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो लेवल्स डिसाइड किए हैं, जो चरण डिसाइड किए हैं, कौन कौन से चरण, कौन कौन से फेज आपको फील होते हैं, इसके तहत मैंने 11 पॉइंट बनाए हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। अगर आप में डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग होती है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी हो गया, आपको कुछ अलग सा एहसास होना या बहुत सारी प्रॉब्लम होना। कई बार तो मैंने दोस्तों देखा है कि आपकी प्रॉब्लम में ही आपकी सोल्यूशन छुपी होती है। इसको देख के हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। सेपरेशन के फेज में भी आपका मिलना छुपा होता है। वो एक साइन है, वो एक तरीका है जो हमको कुछ गाइड कर रहा है। नंबर्स का दिखना वो हमको गाइड कर रहा है, बट इसको डिकोड करना भी हमको चाहिए। तो हम जानते हैं 11 ऐसे पॉइंट कौन से हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं फीमेल फेमिनिन एनर्जी कैसे अवेकनिंग होती है, तो क्या क्या साइन मिलेंगे। दोस्तों, मैं अहम बात बता देता हूँ, किसी फीमेल में आपके ऊपर के 3 चक्र ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं या ज़्यादा प्रॉपर वर्किंग में होते हैं। इसीलिए देखिए कौन कौन से, हार्ट चक्र, आपका थ्रॉटल चक्र, आपका आज्ञा चक्र। इसीलिए देखिए इनर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और इन सब चीज़ों को ज़्यादा सेंस कर पाती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मेल्स में मस्कुलर एनर्जी में नीचे की 3 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र और आपका मणिपुर चक्र, जिसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस। ये 3 चक्र हमारे मेल्स में ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं या उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं एज अ नेचर, एज अ बिहेवियर। तो इसीलिए कुछ चीज़ें फील हो रही हैं। फेमिनिन एनर्जी दोनों में ही होती है, ऐसा है नहीं कि दोनों में फेमिनिन एनर्जी नहीं होती, लेकिन अवेकनिंग जब होती है या हमारे में बैलेंस होना शुरू होता है तो लाइफ में हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस फील करते हैं। कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं लाइफ में, तो कौन कौन से वो 11 स्टेजेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज हमारे जो चक्र हैं वो एक्टिवेशन होते रहते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट चक्र, टीनेजर जब आप होते हैं तो प्यार के प्रति ये सेंस आता है, आप प्यार की डिमांड करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, आप रिलेशनशिप इंप्रूव करते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर, आपका एक समय आता है कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। अब आगे समय आता है आपके 28 के ऊपर, 30-32 के आसपास आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेशन होता है। और किसी किसी का एक्चुअली डिपेंड करता है कि सोल कॉन्शियसनेस कहाँ पर है, बट ये बेसिक एज है जहाँ पे आपके चक्र एक्टिवेशन होंगे। पर वहाँ की वाइब्रेशन कितनी है, उस चक्र में कितनी हीलिंग है, कितना प्रॉपर एनर्जीज है, कितना रोटेशन स्पिन है जिससे आपका ऑरा बन रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी के थ्रू आप जान सकते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसे वर्क कर रही है। जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, चलिए मैं बताता हूँ। पहला है ओपन थर्ड आई चक्र। जैसे ही फेमिनिन एनर्जी में थर्ड आई मोर एक्टिवेट होता है, मतलब उसकी एज थोड़ी बढ़ती है, तब उसमें थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, तब उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस शुरू होते हैं। उसके बाद लाइफ में एक आता है हुआ माई का फेज थोड़ा लंबा आपका होता है, जिसमें आप एक्सपीरियंसेस करते हैं कि मैं कौन। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये आपको पेन का एहसास कराना या खुद में खोए खोए से बैठे बैठे रहना, इस तरह की टेंडेंसी अगर आप में आ रही, मतलब एक जगह बैठ के एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, फिर बाद में एट द एंड यही पहुँचना मैं हूँ कौन, हु एम आई। देन आगे हम आगे बोर्ड बॉर्न करेंगे सेकेंड फेज, ये सेकेंड लेवल पे पहुंचती है। देन इसके बाद दोस्तों, जैसे ही उसको हुआ मैं का एहसास होता है, ईगो डेथ का फेज आता है। ईगो जितना भी होता है, जितने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डेथ होते हैं, वो ईगो, वो मैं कौन हूँ का एहसास खत्म हो जाता है, मतलब ईगो उसका, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ लव, फॉल इन लव, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इन्हेंस होता है आपके अंदर एक तरह की साइकिक एबिलिटी, एक तरह की हीलिंग एबिलिटी, जो कि फेमिनिन एनर्जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, वो इन्हेंस करना शुरू करती है, वो पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे ये पढ़ती है, आप में दूसरों को हील कर पाते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को सुनना शुरू कर देते हैं उसको हील, क्योंकि उतनी कैपेसिटी एक्चुअली नहीं होती है कि एकदम हील कर पाए, क्योंकि अवेकनिंग अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची है, लेकिन वो जो टेंडेंसी है वो आ जाती है। लेकिन इसके बाद जब आप हील नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, तब आपकी स्टेज आती है सेल्फ डाउट। यहाँ पे आपको अपने आप पे डाउट होता है, अपनी पावर्स पे डाउट होता है, अपनी हीलिंग एबिलिटी पे डाउट होता है, अपने आप को, जो आप कर रही हैं, जो आप पूजा कर रही हैं, जो आप चीज़ें कर रही हैं, या कोई भी मेल जो लगातार ये टेंडेंसी के कुछ होती हैं, जो इगड़ा पिंगड़ा नाड़ी होती है, उनमें से जो स्टैंड चित्र के लोग होते हैं उनमें भी एक्चुअली टेंडेंसी होती है, उन पर डाउट होना शुरू हो जाता है।
देन आगे हमारा फेज बढ़ता है जिसे कहते हैं आप आगे का लेवल, जिसमें फिफ्थ लेवल आपका आता है कीप होपिंग। आप लगातार होप करते हैं, एक एक आशा रखने लगते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। हेल्पलेस फील करते हैं, डाउट फील करते हैं, एक्चुअली सुसाइडल टेंडेंसी थॉट्स भी एक्चुअली इस फेज में व्यक्ति को आ सकते हैं। डिप्रेशन का फेज होता है ये एक, और बहुत डाउट के बाद एक ऐसा फेज होता है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने आप पे मतलब बहुत डाउट होता है, वो लगता है एक ही चीज़ में फंसे रहना, एक चीज़ से आगे ना निकल पाना। ये फेज काफ़ी ज़्यादा आपको इनर से अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन इसके बाद की फेज कुछ देर ये बीतने को, इसका अगर कोई व्यक्ति बेयर कर लेता है और इससे नहीं टूटता है, देन आगे एक आती है आपकी कोड करना शुरू कर देते हैं, कोड ऑफ योर एम्पैथी कोड। आप अपने आप की जो एम्पैथी है, आप दूसरे को जो जैसे एम्पैथी मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एम्पैथ वो होते हैं जो दूसरे की एनर्जी को रीड कर लेते हैं। आपको पता चलने लगता है कि वहाँ पे एनर्जी निगेटिव है, आपकी अभी एनर्जी डाउन हो रही है, मुझे वहाँ पे जाने पे मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए या मुझे वहाँ जाना चाहिए। आपको इस तरीके से एनर्जी के साइंस पता चलने लगेंगे, एनर्जीज को फीलिंग पता चलेंगे। आप किसी से बात करके, कॉल करके ये बता सकती हैं कि सामने वाला पर्सन अभी लोअर फ्रिक्वेंसी पे है या अभी हायर फ्रिक्वेंसी पे है। आपको पॉजिटिव और निगेटिव थाट्स के बीच का डिफरेंस समझ में आने लगता है। लेकिन इस फेज में भी आपको कैटेगराइज नहीं करना होता, एक्चुअली आपको बस फील करना होता है हाँ ये चीज़ें होती हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है लाइट वर्कर, एज अ लाइट वर्कर, एज अ एम्पैथ आप काम करना शुरू कर देते हैं, एज अ लाइट वर्कर आप काम करना शुरू करते हैं। हो सकता है इस फेज में आपको फेम मिलना शुरू हो जाए, हो सकता है इस फेज में आपका करियर बेहतर हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, लाइफ के उस फेज पे पहुंच जाएंगे जो मैनिफेस्टेशन शुरू कर देंगे, एक अच्छे रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर लेंगे, एक अच्छे स्टेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आगे आपका फेज बढ़ता है रूट चक्रा ग्राउंडिंग को लेकर। जी क्या होता है, आप जैसे मैंने बताया ऊपर के तीन चक्र फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं या कहें ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उसके बाद रूट चक्र जो बेसिक चक्र हैं उनमें नीचे के तीन चक्रों में स्टेबिलिटी आना लगती है। जैसे बेसिक सर्वाइवर, सैक्रल चक्र आपका कौन सा, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी, बहुत क्रिएटिविटी आ जाती है, बहुत मैनेजमेंट आ जाता है। और आपका थर्ड सोलर प्लेक्सस आपका मणिपुर चक्र, वो क्या करेगा, जैसे कि मेल्स में बाहर निकल के बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने की एबिलिटी होती है और एक ताकत, एक फेज, एक पावर का सिर्फ सूर्य चक्र भी एक्चुअली कहते हैं, तो सूर्य की तरह आप चमकना शुरू कर देते हैं। ये फेज आता है, दिस इज लॉयनेस, दिस इज ऐसा कि फेमिनिन एनर्जी का सबसे पावरफुल फॉर्म है ये। हम आगे बढ़ते हैं, फेमिनिन एनर्जी जैसे ही आगे बढ़ती है ईगो रिबर्थ होता है। मैंने कहा ना ईगो डेथ हो गया था, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, आपका ईगो खत्म हो गया था। यहाँ पर रियल ईगो क्रिएट होगा, रिबर्थ होगा, जहाँ अपने आप को अब बैलेंस के रूप में जानेंगे, जहाँ आपको जानेंगे कि किस तरीके से हमें मध्यम मार्ग चुनना है। जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो कहते हैं मध्यम मार्ग, जिसमें चल के आपको ना किसी चीज़ के एक्सेस में जाना है, किसी ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, मतलब किसी भी चीज़ के अति में नहीं जाना है, ना किसी चीज़ को एकदम इग्नोर करना है या उसको दबाना है, सेपरेशन में जाना है। तो इस तरीके से हम मध्यम मार्ग चुनते हैं। फेमिनिन एनर्जी की और ज़्यादा ब्राइटर साइड यहाँ पे, उसके अंदर हीलिंग एबिलिटी लगातार ग्रोथ कर रही होती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उनके अंदर पॉपुलैरिटी, फेम, उनका बिलीव सिस्टम अचानक से बेहतर होने लगता है। ये जो स्टेज है आपकी 10वीं स्टेज है, इसमें ही सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है। और आपकी लास्ट एंड फाइनल स्टेज है डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग, दिस इज 11th स्टेज। इस स्टेज के बाद उनमें अवेकनिंग होती है, ज़बरदस्त हीलिंग एबिलिटी, ज़बरदस्त दूसरे को हील कर देना, और इसके पास जो भी मस्कुलर एनर्जी आती है उनमें भी कोई प्रॉब्लम है वो भी हील हो जाए। दिस इज अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। दिस ये सिंपल स्टेजेस थे, थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, लेकिन ये बेसिक चरण है जो अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप में कहाँ पर स्टेज है आपकी, कैसे जान सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस चक्र पे किस जगह काम करना है। अगर आपको पता चल जाए तो ज़रूर उस चक्र पे, उस प्रॉपर एनर्जी पे काम करिए और अवेकनिंग की स्टेज तक पहुँच, जिसमें आप अपनों तथा दूसरों को हील कर सकें, इस वर्ल्ड को हील सकें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो दोस्तों ये थी क्विक एंड शॉर्ट वीडियो जो डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग के फेजेस के बारे में थी, उनके लेवल, उनके साइंस के बारे में थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों तथा साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप वीडियो पे इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।